नमस्कार दोस्तों, सभी को भगवान की चाहत होती है। हर कोई बंदा चाहता है कि उसे भगवान मिल जाए। भगवान की खोज में मैं यहाँ से वहाँ भटकता रहता है, तो आज मैं आपके लिए वही वीडियो लेकर आई हूँ कि भगवान की चाहत आपको कहाँ तक ले जा सकती है। इसके पीछे एक कहानी है जिसे मैं आपको इस वीडियो के दौरान सुनाऊंगी। एक बार की बात है कि एक साधु अपने नदी के किनारे पर अपनी तपस्या कर रहे थे। तपस्या करने के बाद जैसा उनका रोजाना का रूटीन वैसे ही वो काम कर रहे थे। नहाकर नदी से निकले। नदी से निकलने के बाद एक व्यक्ति ने उन्हें देखा। देखते ही उसने कहा कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। साधु ने पूछा कि क्यों? कि मुझे भगवान की चाहत है और मैं भगवान को पाना चाहता हूँ। तो साधु ने उसकी बात सुनकर उसे घसीटते हुए नदी के किनारे ले गई। नदी के किनारे उसे नदी के अंदर ही उसकी मुंडी को डाल दिया, यानी कि सर को लेकर उसकी नदी में डाल दिया और उसे वहीं पकड़े रहे। और पकड़ने के बाद वह व्यक्ति वह मुक्त होने के लिए हाथ पैर मार रहा था। मारने के बाद भी उन्होंने उसे छोड़ा नहीं, लेकिन कुछ देर के बाद उन्होंने खुद ही उसे सीधा खड़ा किया। और जैसे ही वो पानी से निकला तो आप सभी जानते हैं सांस में सांस आई और वह हाँफना शुरू कर दिया। हाँफते हाँफते जब उससे गुरु ने पूछा, यानी कि साधु ने पूछा उससे कि अच्छा तो ये बताओ तुम्हें पानी के अंदर क्या मिला और पानी के अंदर तुम्हें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत थी, तो आदमी ने बोला हवा की। तो उससे की बात सुनकर साधु बड़े खुश हुए। खुश होने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, कल से तुम मेरे पास शिक्षा लेने के लिए आ सकते हो और तुम्हें भी इतनी तुम्हें हवा की ज़रूरत है उतनी ही तुम्हें भगवान को पाने की चाहत रखनी होगी, तभी तुम भगवान को पा सकते हो। और अगर भगवान को पाना चाहते हो तो स्वस्थ रहना सीखो और सच्चे मन से प्रार्थना करो। यदि तुम अपने सच्चे मन से प्रार्थना करते हो और अपने मन में कोई भी मेलमेट नहीं रखते हो और किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हो तो उसका प्रॉफिट तुम्हें भगवान की चाहत तक पहुंचा ही देगी। तो ये है भगवान की चाहत। यदि कोई व्यक्ति कितना भी चाहे, उसे यदि भगवान की चाहत है तो वह वहां तक पहुंच ही जाता है। और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।